नमस्कार, हिमाचल अभी डॉट कॉम से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। सीएम जयराम ठाकुर बोले, धर्मशाला में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हिमाचल में कोरोना डेथ का आंकड़ा 600 पार, अब तक 254 मामले आए सामने। लोक सेवा आयोग ने सेट के पेपर 1 और 2 की आंसर की जारी। हिमाचल में MBBS के साथ साथ नर्सिंग कॉलेजों की 1 दिसंबर से लगेंगी कक्षाएं। कोरोना को मात देकर काम पर लौटे उपायुक्त, शिमला शहर का किया औचक निरीक्षण, काटे चालान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC के कंगना के ऑफिस को गिराने को बताया गैर कानूनी, भरना पड़ेगा जुर्माना। मंडी के करसोग में 12 पुलिस कर्मी निकले कोरोना संक्रमित, पुलिस स्टेशन किया सील। हरोली और बंगाना में सड़क हादसे में 2 ने गवाई जान, देहरा में मिला शव। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विपक्ष ने सत्र करवाने को लेकर हामी भरी। वहीं सत्र धर्मशाला में होगा या फिर शिमला में, इस पर संशय बना हुआ था। लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने काफी हद तक स्थिति साफ कर दी है। साथ ही धर्मशाला में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक सत्र आयोजन को लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। सीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर सत्र होगा तो धर्मशाला में ही होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष के पर तलक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और उनके दल विधायकों में सत्र बुलाए जाने को लेकर तालमेल नहीं है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक धर्मशाला तपोवन में होना प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना डेथ का आंकड़ा 600 पार हो गया है। आज अब तक 12 लोगों की जान गई है। शिमला में 7, कांगड़ा में 2, हमीरपुर, किन्नौर व सोलन में 1-1 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 254 मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में 93, मंडी के 72, सोलन में 25, शिमला व बिलासपुर में 19, हमीरपुर में 17, किन्नौर में 7 व सिरमौर में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं 313 कोरोना पॉजिटिव आज ठीक हुए हैं। शिमला के 222, मंडी के 101, चंबा व किन्नौर के 21, बिलासपुर व हमीरपुर के 14, ऊना के 12, लाहौल स्पीति के 5 व सिरमौर के 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 37,751 पहुंच गया है। अभी 7,807 एक्टिव केस हैं। अब तक 29,306 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना डेथ का आंकड़ा 601 पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेट की आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आंसर की जारी की है। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी सवाल के जवाब में आपत्ति हो तो वह आयोग द्वारा दिए परफॉर्मे में 7 दिन के अंदर यानी 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। आपत्ति साक्ष्यों सहित आयोग के दफ्तर में खुद आकर या डाक द्वारा या कुरियर के माध्यम से भेजी जा सकती है। ईमेल और अन्य किसी भी माध्यम से आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। परफॉर्मा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेट की परीक्षा प्रदेश में 22 नवंबर को आयोजित की गई थी। पेपर 1 सुबह और 2 शाम के सत्र में आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS के साथ साथ नर्सिंग कॉलेजों में भी 1 दिसंबर से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष की कक्षाएं 1 दिन से लगेंगी, जबकि अन्य की कक्षाएं 7 दिन बाद शुरू होंगी। छात्रों को कोविड टेस्ट करवाना होगा, साथ ही अभिभावकों का अनुमति पत्र भी जरूरी होगा। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 6 मेडिकल कॉलेजों में जनवरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 8 करोड़ दे रही है। इसके अलावा कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी खामियां सामने आई तो उनको दूर किया जाएगा। कोरोना को मात देकर काम पर लौटे उपायुक्त, शिमला एक्शन मोड में आ गए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शिमला शहर का औचक निरीक्षण किया और मास्क न पहनने वालों, सब्जियों के तय दामों से ज्यादा रेट पर बेचने वालों के चालान काटे। साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। DC शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि वे खुद भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए थे और पिछले 17 दिनों से होम आइसोलेशन में थे। जिला प्रशासन ने आज शहर के बाजारों और रिज पर औचक निरीक्षण किया और जायजा लिया कि लोग सरकार के दिशा निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। साथ ही सब्जियों के दामों को भी चेक किया गया। जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके चालान काटे गए। जिला प्रशासन इस मुहिम को आगे भी जारी रखेगा और निरीक्षण के लिए टीम भेजी जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस पर की गई मुंबई नगर निगम बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि ये कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया है। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट फैसला बाद में सुनाएगा। हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित है। इसके चलते मंडी जिला सहित कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मंडी जिला के करसोग उपमंडल में एक साथ 55 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 7 पुलिस के जवान हैं और 5 होमगार्ड जवान शामिल हैं। अभी कुछ की रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। एक साथ इतनी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आने से करसोग पुलिस थाने को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए डीएसपी करसोग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आम जनता इन नंबर पर व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है या फिर ईमेल के माध्यम से थाना करसोग को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिला कांगड़ा के देहरा में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। व्यक्ति ने रात को ढाबे पर खाना पैक करवाया था, लेकिन सुबह वह सड़क के किनारे मृत पाया गया। पुलिस ने तीनों ही मामलों में केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। ऊना जिला में हुए सड़क हादसों की बात करें तो पहला हादसा बंगाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुआ था, जिसमें युवक घायल हुआ था। युवक को इलाज के लिए पीजीआई भेजा गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को बंगाणा थाना कलां के नगरोटा छपरोह के 32 वर्षीय युवक कमल देव की बाइक की सड़क किनारे खड़ी किसी वाहन से टक्कर हो गई थी, जिससे उसे सर पर चोट लगी थी। स्थानीय स्तर पर क्लिनिक में उपचार करवाया गया, जिसके बाद युवक घर चला गया, लेकिन अगले ही दिन तबीयत बिगड़ी और युवक के स्वजन उसे क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया, जहां आज उसकी मौत हो गई। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा, हिमाचल।